ब्रेड आलू से आपने कई तरह के नाश्ते बनाए होंगे, लेकिन आज जो मैं रेसिपी लेकर के आई हूँ वो एकदम ही नई और भी ज्यादा आसान मजेदार है। इतना आसान है बनाना कि आप अक्सर बनाना पसंद करेंगे। इस नाश्ते को बनाने के लिए सबसे पहले बाउल में डालिए 1 कप बेसन, ग्राम में देखे तो 150 ग्राम, बहुत ही थोड़ा सा नमक, यहाँ पे मैं 1/4 टीस्पून डाल रही हूँ, 1/4 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, 1/4 टीस्पून अजवाइन, 2 चुटकी हल्दी, 1/4 टीस्पून चिली फ्लेक या फिर लाल मिर्च पाउडर, सभी को मिला लीजिए। और अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए एक गाढ़ा सा घोल तैयार करेंगे। एक बार में ज्यादा पानी ना डालें, बैटर में लम्स आ जाएगा। और दोस्तों बेसन को छान के ही इस्तेमाल करें। तो बैटर बन के तैयार है। टोटल हमने 200 ml यानी कि 3/4 कप पानी का इस्तेमाल किया है। बेसन का फूलना बहुत जरूरी है, इसलिए 5 मिनट रेस्ट पे रखें। अब एक कढ़ाई चढ़ाइए, इसमें डालिए 1 टेबलस्पून ऑयल। तेल के गर्म हो जाने के बाद 1/4 टीस्पून जीरा डाल दें। फ्लेम बिल्कुल कम रखिए। 1/4 टीस्पून राई, 2 चुटकी कलौंजी यानी कि मगरैल, आप स्किप कर सकते हैं। जैसे हल्का सा तड़के डाल दीजिए, 2 हरी मिर्च, 1 इंच कद्दूकस किया हुआ अदरक, 2 टेबलस्पून शिमला मिर्च, कद्दूकस किया हुआ 2 चम्मच गाजर, एक बार मिला लीजिए। फ्लेम को लो टू मीडियम करके डाल दीजिए 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/4 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/4 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, फिर से मिला लीजिए। नमक स्वाद अनुसार, सिर्फ 30 सेकंड के लिए सौते कर ले। और अब डाल दीजिए 2 आलू जिसे मैंने उबाल के ठंडा कर लिया है। इस तरीके से मैश करते हुए डाले, आप कद्दूकस भी कर सकते हैं। तो मैंने बड़े साइज के आलू लिए हैं, ग्राम में देखे तो 200 ग्राम आलू है। अब साथ ही में 2 चम्मच धनिया पत्ती डाल दीजिए। धीमी आंच पर अच्छे से मिलने भर तक मिला ले। तो मुश्किल से आपको 2 मिनट का टाइम लगेगा, बहुत ही आसानी से झटपट आलू मसाला तैयार हो जाएगा। अब 1 टेबलस्पून खटास के लिए नींबू का रस डाल दीजिए, आप अमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं। मिला ले, फ्लेम कर दीजिए बंद, प्लेट में निकाल ले और इस तरीके से फैला दीजिए ताकि जल्दी से ठंडा हो जाए। अब यहाँ पे मैंने लिया है पाव, तो पाव आप 1-2 दिन पुराने भी ले सकते हैं। इस तरीके से तोड़ लीजिए तो बहुत ही झटपट कुछ अलग तरीके का बहुत ही टेस्टी स्नैक बन जाता है। और अब एक पाव लीजिए, इसे उलट ले, चाकू के नोक से हम धीरे धीरे इस तरीके से बीचों बीच किनारों को छोड़ते हुए काट लेते हैं और ऐसे हटा लीजिए। है ना बहुत ही आसान। अभी पूरी तरीके से खाली नहीं हुआ है, इसलिए हम थोड़ा सा और जगह बना लेते हैं। ध्यान आपको बस इतना देना है, नीचे का भाग में छेद नहीं होना चाहिए, नीचे से कवर रहना चाहिए। और कितने अच्छे से चारों तरफ से कट किया है मैं आपको फिर से बताती हूँ। चाकू लीजिए, धार वाला लीजिएगा और इस तरीके से हम किनारों का भाग छोड़ते हुए स्क्वायर में काट लेते हैं। ब्रेड से आपने बहुत सारी रेसिपी ट्राई की होगी, इस रेसिपी को भी जरूर बनाए, बहुत पसंद आएगा। और बस काटने के बाद ऐसे हटा लीजिए और थोड़ा सा हम इस तरीके से जगह बना लेते हैं, ऐसे ही हम सारे तैयार कर लेते हैं। अच्छा एक बात और आपको ध्यान देना है दोस्तों, जिस पाव से आपने काटा है उसमें फिलहाल इस तरीके से आप ढक करके रखें ताकि मिसमैच ना हो। तो यहाँ पे मैंने 4 पाव फिलहाल काटे हैं। अब एक पाव लीजिए, इसका ऊपर का कैप हटा लीजिए। अब ये जो मसाला हमने चटपटा सा तैयार किया है इसे हम डाल देते हैं। चम्मच से दाब दीजिए, तो लगभग 2 बड़े चम्मच मैंने स्टफिंग डाला है। और अब हम कवर कर देते हैं, तो इस तरीके से बस हाथों से दबाव दे, खुद चिपक जाएगा। देखिए बिल्कुल भी नहीं गिर रहा है, चाहे आप कैसे भी हैंडल करें। तो ऐसे ही हम पहले सारे स्टफिंग भर लेते हैं। तो समोसा, कचौरी या बाजार का नाश्ता की याद आ रही है तो बहुत ही कम मेहनत में इस नाश्ते को जरूर ट्राई कीजिए। तो देखिए स्टफ कर लिया है, अब बेसन चेक कर लेते हैं, एक बार मिला लीजिए। और अब 2 चुटकी सोडा डालें, फिर से 1 चम्मच पानी डालें, मिक्स करें। तेल को मैंने पहले ही गर्म होने के लिए रख दिया है। अब हम स्टफ पाव पकौड़ा को तलेंगे, तो उसके लिए आप एक पाव लीजिए, इस तरीके से सेंटर पे पकड़ते हुए हम चारों तरफ गोल गोल घुमा लेते हैं। बेसन के घोल में अच्छे से कोटिंग करें और अब हम तुरंत मीडियम गरम तेल में डाल देंगे। तो यहाँ पे मैंने कढ़ाई में कुकिंग ऑयल लिया है, तो कुछ सेकंड के बाद दूसरी तरफ उलट लीजिए। तो कढ़ाई छोटी है इसलिए मैं एक एक करके फ्राई करूँगी ताकि उलटने पलटने में परेशानी ना आए। तो देखिए बस इस तरीके से आपको
उलट पलट करते जाना है। अगर बड़ी कढ़ाई होगी तो आप एक बार में दो या चार निकाल सकते हैं, है ना, बहुत ही आसान। तो देखिए उलटते पलटते फ्राई कर लिया है, मुश्किल से आपको दो से ढाई मिनट का टाइम लगने वाला है। और अब हम धीरे से ऑयल से बाहर निकाल लेते हैं। इसी तरीके से हम दूसरे पाव को कोट कर लेते हैं। तो आपको बेसन के बैटर में छोड़ना नहीं है, धीरे से डाल दीजिए। अब जैसे हमने पहला वाला फ्राई किया था वैसे फ्राई कर ले। तो लीजिए दो मिनट में ही दूसरा भी फ्राई हो चुके हैं। तो आप पहले से स्टफ़ करके बिल्कुल भी ना रखें, वैसे पाव ना नरम पड़ जाएंगे तो क्रैक आ सकता है पाव में, तो जब बनाना हो तभी स्टफ़ करें। तो मैंने प्लेट में निकाल लिया है, कितना बढ़िया दिख रहा है। तो बेसन के बैटर से कोटिंग की है इसलिए बिल्कुल भी ऑयली नहीं है, निश्चिंत होकर बनाए खाए। तो मैं आपको फिर से एक बार उलट के दिखा देती हूँ, देखिए। तो अब मैं आपको काट के दिखा देती हूँ। तो बीचों बीच इस तरीके से काट लीजिए। स्टफिंग देखिए कितने सॉफ्ट है। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस नाश्ते रेसिपी को ज़रूर बनाएं। तो मैंने इसे टमाटो केचप के साथ सर्व किया है, आप और आपने देखा बनाना कितना आसान है।